जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का सिलसिला जारी है। अलग अलग दलों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक जयपुर शहर लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी पंडित त्रिलोक तिवारी भी नामांकन करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जो चर्चा का विषय बना रहा। निर्दलीय प्रत्याशी पंडित त्रिलोक तिवारी जिला कलेक्ट्रेट में मैं मूर्ख हूँ, मैं गधा हूँ, जो पिछले 10 साल में आरक्षण हटाओ भेदभाव मिटाओ के लिए लड़ रहा हूं के स्लोगन के बने पोस्टर गले में डालकर पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित दिलीप तिवारी ने बताया कि मेरी लड़ाई आरक्षण हटाओ, बिजली बिल की समस्या और टोल टैक्स जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। इसका कारण यही है, मैंने कहा ना, मैं 10 साल से लोगों को समझा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने आप को गधार मूर्ख बना लिया कि मैं बेवकूफ जो ढोल बजा रहा हूँ दुनिया के सामने। लोग जगेंगे नहीं, लोगों को अपनी सीट का लोभ है कि साहब अगर हम आरक्षण के मुद्दे पे अगर बोलेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारे वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मुझे डर किस बात का है? मैं तो भाइयों को सबको एक कर रहा हूँ, सब जातियों को, तो इसलिए मुझे किस बात का डर है? और इसीलिए मैं 1 मई 2018 से नंगे पैर घूम रहा हूँ पूरे राजस्थान में। क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या है, किस बात को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? मेरे तीन ही मुद्दे हैं सर। पहला तो आरक्षण हटाओ भेदभाव मिटाओ, दूसरा है जो स्थायी शुल्क से जो जनता परेशान है, बिजली के बिल में जो आ रहा है स्थायी शुल्क, इससे आम जनता सब परेशान है, फिर टोल टैक्स से परेशान। जब 15 साल का रोड टैक्स लेते हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों लेते हैं? और तीसरा, बच्चों का जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इनकी रोजी रोटी के साधन हो।